भागवत कथा एवं साधु भक्तों को छोड़ उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो आंधी में उड़ती हुई पत्तल के समान पड़ा रहता है, उसमें अपनी कोई इच्छा या अभिमान नहीं रहता। ईश्वर कृपा की हवा उसे जिधर ले जाती है वो उधर ही चला जाता है। तब वो संसार में भी रह सकता है और सच्चिदानंद सागर में भी डुबकी लगा सकता है। तुम लोगों का मन अभी वासनाहीन, सरल और निर्मल है। तुम लोगों का यह स्वभाव जिससे पक्का हो जाए वैसे चेष्टा करो। एक बार यदि मन अन्य प्रकार का हो गया तो फिर कोई उपाय नहीं। वासनाहीन मन कैसा होता है जानते हो? जैसे सूखी दिया सलाई, एक बार घिसते ही जल उठती है, किंतु यदि वो भीग जाए तो घिसते घिसते दिया सलाई की सीख ही टूट जाती है पर जलती नहीं। उसी प्रकार मन में एक बार संस्कार पड़ जाने पर फिर 100 बार कोशिश करने पर भी वो दूर नहीं होता। स्थान अद्वैत आश्रम वाराणसी, 27 फरवरी 1913। श्री महाराज ने एक भक्त से जिज्ञासा की, क्या तुम आजकल ध्यान या प्रार्थना करते हो? भक्त, नहीं महाराज, कुछ भी नहीं करता। महाराज, थोड़ा थोड़ा करना अच्छा है, शांति पाओगे, मन स्थिर होगा। तुम लोगों के तो कुलगुरु है ना, क्या तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली? दीक्षा तो ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा जब ध्यान करना, रुद्राक्ष की एक माला खरीद लेना, उससे 108 या 1000 बार जप करना। इच्छा होने पर और भी अधिक कर सकते हो। भक्त, किसका जप करना होगा? महाराज, भगवान के नाम का जप करना। जिस देवता पर तुम्हारी अधिक श्रद्धा और भक्ति है उसके नाम का जप कर सकते हो। अपने हृदय में या बाहर में भगवान का ध्यान करना। भक्त, कोई एक निश्चित रूप न होने से तो ध्यान नहीं होगा, तो फिर कौन सा रूप लेना होगा? महाराज, जो सद्गुरु हैं वे ध्यान में यह जान ले सकते हैं कि शिष्य की किस देवता पर अधिक श्रद्धा है और वही उसे बतला देते हैं। उसके बाद मानस पूजा है। लोग जैसे बाह्य पूजा में फूल चंदन प्रदान करते हैं, आरती इत्यादि करते हैं, उसी प्रकार मानस पूजा में भी मन ही मन उनका स्मरण कर यह सब करना पड़ता है। आज से ही लग जाओ, संध्या समय से ही आरंभ कर दो। मानस पूजा भी रहने दो, रोज सवेरे और शाम को जप और ध्यान करना। इस तरह करो तो सही, देखोगे कितना आनंद मिलेगा, तन्मयता आएगी और भी बहुत कुछ देख पाओगे। उसके बाद जो कुछ करना होगा सब मैं यथा समय बतला दूंगा। भक्त, तो फिर मानस पूजा अभी नहीं करूं? महाराज, नहीं, मानस पूजा भी रहने दो, कब करनी होगी यह मैं बतला दूंगा जब तुम दीक्षा लोगे। अभी दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं, बस यही करते जाओ। अब और अधिक समय नष्ट मत करो, लग जाओ। एक आसन, कंबल या जो भी हो खरीद लो, उसे अच्छी तरह रखना। अन्य किसी काम के लिए उसका उपयोग मत करना, केवल इन्हीं सब कामों के लिए उसे उपयोग में लाना। तुम लोगों के बगीचे में तो सुंदर निर्जन स्थान है, घर में यदि कुछ गड़बड़ी या असुविधा हो तो बीच बीच में वहां जाकर कर सकते हो, और यहाँ वाराणसी जैसे स्थान में शीघ्र ही हो जाएगा। 2 वर्ष ऐसा तो करो सही, किसी किसी का तो शीघ्र ही हो जाता है, 1 वर्ष में ही हो जाता है। एक बार लग तो जाओ सही, कुछ दिन बाद इतना आनंद पाओगे कि फिर उठने की इच्छा नहीं होगी, सिर्फ ध्यान करने की इच्छा होगी। सीधे होकर पैर मोड़कर बैठना, दोनों हाथ हृदय के पास या पेट के ऊपर रखकर स्वयं दिखाकर ध्यान करना। कैसे बैठना होगा यह मैं अन्य किसी दिन अच्छी तरह दिखा और समझा दूंगा। बीच बीच में साधु संग करना, कभी कभी सदग्रंथ पढ़ना, कभी कभी मेरे पास आना। आसन पर बैठते ही ध्यान आरंभ मत करना, 2-3 मिनट चुपचाप बैठकर मन को शून्य ब्लैंक करने का प्रयत्न करना, जिससे मन में अन्य कोई विचार न उठे। उसके बाद ध्यान करना। पहले 2 वर्ष तक बलपूर्वक मन को लगाना होगा, बाद में आप ही आप होने लगेगा।
जिस दिन अधिक कामकाज रहेगा उस दिन कम से कम एक बार करना या 10-15 मिनट में समाप्त कर लेना। विशेष असुविधा होने पर सिर्फ एक बार उनका स्मरण कर प्रणाम कर लेना। सवेरे मुंह और हाथ पैर धो कपड़ा बदल कर बैठ जाना। थोड़ा सा गंगा जल भी स्पर्श कर लेना। संध्या समय भी ऐसा ही करना। रुद्राक्ष की माला खरीद कर गुथा लेना। फिर गंगा में अच्छी तरह स्नान कराकर भक्ति भाव से उसे विश्वनाथ से स्पर्श करा लेना। ऐसा करते जाओगे भला देखोगे मन में शांति आएगी और खूब आनंद में रहोगे। और नैतिकता के संबंध में इन दो बातों का पालन करना, सत्य बोलना और पर स्त्री को माँ के समान देखना, बस और कुछ करना नहीं होगा। इन दोनों का पालन करने से ही सब हो जाएगा। ईश्वर पर खूब भक्ति करना। ईश्वर है, ईश्वर नहीं है ऐसा कभी मत सोचना। मैं कहता हूँ ईश्वर है, निश्चित है, जानना। आज से ही लग जाओ समझे, अब और देरी न करो। मैं भी तो हूँ, बीच बीच में बतला दूंगा, आज से ही आरंभ कर दो। स्थान अद्वैत आश्रम वाराणसी, 21 जनवरी 1921। महाराज, मुगल सराय से मोटर में आते समय दोनों तरफ खुला मैदान आदि देख मन में कोई आनंद नहीं हुआ, पर क्षेत्र महत्व ऐसा है कि यूं ही पुल पार होकर आया त्यों ही एक ऐसे माधुर्य का अनुभव हुआ कि क्या कहूँ। यह शिव क्षेत्र है, शिव ही गुरु हैं। एक ओर माँ अन्नपूर्णा अन्न दे बाहरी अभाव दूर कर रही हैं, दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ धर्म दे रहे हैं। ठाकुर के पास एक दाढ़ी वाले ज्योतिर्मय पुरुष आए थे। ठाकुर को उन्होंने वाराणसी का सारा महत्व दिखा दिया था। वे महाकाल भैरव थे। ठाकुर का शरीर तब पड़ा हुआ था। संध्या हुई है, महाराज ठाकुर प्रणाम करेंगे, सो उन्होंने गंगाजल मांगा। गंगाजल लाया गया, स्वयं ले वो वहाँ जो लोग उपस्थित थे उनसे भी लेने के लिए कहा। एक एक कर सभी ने गंगाजल ग्रहण किया। ठाकुर प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा, गंगा वारी ब्रह्मवारी है, अविष्टदायिनी है, इष्ट दर्शन में सहायक है। ठाकुर कहते थे गंगा जल महाप्रसाद, श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद और वृंदावन की धूली सब ब्रह्म स्वरूप हैं। बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा, कुल कुंडलिनी जब अधोमुखी रहती है तब जीव का मन लिंग गुदा और नाभि के विषय लेकर रहता है, और जब ऊर्ध्वमुखी होती है तब मन भगवत विषय लेकर रहता है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर ईश्वर के रूप देखने की इच्छा होती है, उनके नाम लेते उनका ध्यान करते अच्छा लगता है। स्थान अद्वैत आश्रम वाराणसी, 24 जनवरी 1921। सवेरे महाराज ने एक साधु से पूछा, क्या कुछ करता है? उत्तर, नहीं महाराज, मन लगता नहीं, रस नहीं मिलता, हृदय किसी भी तरह नहीं खुल रहा है, इसलिए बड़ी अशांति है। हम लोग इतने खराब संस्कार लेकर आए हैं कि उन सब ने रास्ता रोक कर रखा है। महाराज, वैसा सोचना नहीं, मध्य रात्रि में जप तो करो सही, यह ना हो सके तो ब्राह्म मुहूर्त में करो, पुरस्चरण करो, समय अब नष्ट मत कर, ध्यान भजन में डूब जा, कुछ कर, इधर किया तो कुछ नहीं, फिर क्या आप ही आप सब खुल जाएगा? एक अन्य साधु ने प्रश्न किया, महाराज रात में खाने के कारण सुबह उठ नहीं सकता, रात में खाने को देर होती है इसलिए हजम अच्छे से नहीं होता, इसलिए सवेरे सवेरे उठने पर भी शरीर और मन की जड़ता नहीं जाती, फिर ना खाऊं तो दुर्बलता मालूम होती है, क्या करूं? महाराज, रात में खाना कम कर दो, पहले पहल करीब 12 आने खाना, बाद में 8 आने हो जाएगा, पहले शरीर दुर्बल मालूम होगा बाद में ठीक हो जाएगा, बल्कि शरीर हल्का मालूम होगा। तब तपस्या के समय हम लोग एकाहारी थे, उससे शरीर काफी हल्का रहता था। संध्या समय महाराज के कमरे में शरत महाराज स्वामी शारदानंद भी बैठे हुए हैं। साधु ब्रह्मचारी गण उन दोनों को प्रणाम करके बैठे और थोड़ी देर बाद महाराज ने एक साधु को लक्ष्य करते हुए कहा, किसी महापुरुष के पास से शिक्षा ग्रहण कर यथा पद्धति मेथडिकली
साधना करनी चाहिए। विश्रृंखल भाव से हैपजर्डली करने से भला क्या होगा? बीच में छोड़ देने पर फिर दुगुना परिश्रम करना पड़ता है, पर हाँ, पहले किया हुआ एकदम नष्ट नहीं होता। साधन भजन करने से ही काम क्रोधादि दूर होंगे।